नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी रावत एपीएच न्यूज पर गोवर्धन पूजा के पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पहली खबर आज होडल से है। होडल में महारानी किशोरी कॉलेज के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी होने का मामला सामने आया है। धान की मांग के बढ़ते हुए और बाजार में आने का सिलसिला जारी है, इसके चलते एक किसान जिसका नाम बाबू सनोप प्रेम सिंह है, वो 2 घंटे के लिए अपने ट्रैक्टर को वहां पर छोड़कर खाना खाने के लिए घर चला गया। जब 2 घंटे बाद आकर उसने देखा तो उसके ट्रैक्टर ट्रॉली वहां से गायब थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल जारी। होडल में पूरे दिन जाम की समस्याओं से जूझ रहा है। होडल में पूरे दिन बोलवाना सर्विस रोड पर लगा भारी जाम, लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। गौड़ौता से लेकर डबचिक रोड और हसनपुर चौक से लेकर बोलवाना चौक तक जाम लगा रहता है, इससे आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हतीन में दहेज उत्पीड़न व जहरीला पदार्थ खिलाने के आरोप में पुलिस ने मेंढकोला गांव के एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेंढकोला पुलिस ने कोमल नामक महिला की शिकायत पर उसके पति जगदीश पर दहेज उत्पीड़न व जहरीला पदार्थ खिलाने के आरोप में पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। ये मामला धारा 498, 323, 328 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। हसनपुर होडल नेशनल हाईवे पर स्थित डबचिक पेट्रोल पंप से चोरी हुई बाइक, पुलिस ने मामला दर्ज किया है। होडल थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया है कि NH-19 पर एक बाइक चोरी हुई है। ये बाइक गांव औरंगाबाद निवासी देवेंद्र की बताई गई है। देवेंद्र ने बताया कि वह पेट्रोल पंप के सामने थोड़ी देर के लिए अपनी बाइक खड़ी करके किसी काम से गया था। जब वह वापस आया तो उसे उसकी बाइक वहां पर नहीं मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज होडल के गांव खिरवी में गोवर्धन महाराज की पूजा के शुभ अवसर पर खिरवी गांव में अन्नकूट का प्रसाद बांटा गया। यह प्रसाद हर साल गोवर्धन पूजा वाले दिन बांटा जाता है। गोरखा धाम आश्रम के महाराज श्याम सुंदर जी के नेतृत्व में ये प्रसाद बांटा गया। आए साल इसी तरह का आयोजन इनके द्वारा किया जाता रहा है। आज बहीन के गांव भमरौला जोगी में 7 नवंबर को होने वाली भारत केसरी प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर खिलाड़ियों ने अभ्यास शुरू किया। मास्टर विजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में युवा खेल समिति भमरौला जोगी रिटायर्ड पैरा कमांडो फौजी अध्यक्ष राजवीर के मार्गदर्शन में कुछ इवेंट जैसे 25 डिप्स, 5 मीटर स्टंट एंड 1 मिनट किए गए, जिसका आंकलन फौजी राजवीर और हरियाणा पुलिस के धर्मेंद्र द्वारा किया गया। इसमें गांव के 51 युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से केवल 16 ही पास किए गए। होडल और हसनपुर में बढ़ाई गई पुलिस सुरक्षा। हसनपुर डीएसपी संजन सिंह ने दीपावली के त्योहार को देखते हुए शहरों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।